हेलो बच्चों, आज टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स फंक्शन, इसको हिंदी में फलन कहते हैं। देखिए, इसके पहले आपको रिलेशन बताया जा चुका है। रिलेशन क्या होता है? सबसे पहले स्टार्टिंग आपको ये सेट थ्योरी से। तो सेट थ्योरी में बताया गया कि देखिए भैया, जो एलिमेंट लिखे जाते हैं उनका कोई भी ऑर्डर लिखिए, चाहे आप 1 2 3 लिखिए और चाहे आप 2 3 1 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपने पढ़ा। फिर आपने पढ़ा ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म, कि भैया फर्क तो पड़ता है। अगर मैं एक ऑर्डर ए कॉमा बी लिखता हूं और एक बी कॉमा ए लिखता हूं तो एक्चुअली दोनों सेम नहीं होते। जब कोऑर्डिनेट का हमको ज्ञान हुआ तब हमको मालूम हुआ कि ऑर्डर पेयर में अगर आप चेंज करते हो तो वैल्यू बदल जाती है, ठीक है। इसके बाद जब हमने ये पढ़ा तो हमने पढ़ा भाई ए और बी में अगर आप ऑर्डर पेयर लिखते हो तो कोई रिलेशन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, तो रिलेशन बारे में पढ़ा। अब हम बात करने जा रहे हैं फंक्शन की। देखिए, क्लास 11th में फंक्शन का बहुत 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 बेसिक कॉन्सेप्ट है, डिटेल में आपको क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो वो बहुत 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 हल्का चूंकि कॉन्सेप्ट है, इसलिए उसी हल्के कॉन्सेप्ट को ही आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। देखिए, फंक्शन होता क्या है? वो एक सिंपल से लैंग्वेज में एक रिलेशन जो कुछ कंडीशंस को फॉलो करे, एक रिलेशन जो कुछ कंडीशंस को फॉलो करे। कैसे? देखो ध्यान से। जैसे हमने आपको एक सेट दिया ए 1 2 3, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, और एक सेट दिया बी 4 5 6, माने हमने ये दिया, ठीक है। अच्छा, और हमने कहा ए से बी में एक फंक्शन है, फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, मतलब ए से बी में एक रिलेशन है, ए के एलिमेंट बी के रिश्तेदार हैं, किसी नियम से बंधे हुए हैं। किस नियम से बंधे हुए? इसमें 3+ करो ये मिल गया, इसमें 3+ करो ये मिल गया, इसमें 3+ करो ये मिल गया, ये भी एक रिलेशन हो सकता है। तो उसमें हम दिखाएं ये कैसे, जैसे मान लिया हमने एक डायग्राम में शो किया ये ए और ये बी, ठीक है। ए के एलिमेंट 1 2 3 और बी के एलिमेंट 4 5 6। तो मान लिया हमने कहा कि 1 का रिलेशन 4 के साथ है, मैं रिलेशन की बात कर रहा हूं, फंक्शन पे भी आ रहा हूं। 2 का रिलेशन 5 के साथ है, 3 का रिलेशन 6 के साथ है, तो हम क्या कहेंगे कि f1 = 4, f1 4 के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको फंक्शन की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? देखिए, इधर के एलिमेंट्स जो है होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं, प्रांत कहते हैं हिंदी में। इधर के जो एलिमेंट्स हैं वो कोडोमेन कहलाते हैं, इसको सह प्रांत कहते हैं। राइटिंग गड़बड़ है, उसे एडजस्ट करिएगा। इसको कोडोमेन कहते हैं, ठीक है। अगर 1 का रिलेशन 4 के साथ है तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहा जाता है कि 4 इज द इमेज ऑफ 1, 4 इज द इमेज ऑफ 1, मतलब जो 4 है ना वो 1 की इमेज है, ठीक है। अच्छा, उल्टा बोलिए तो हम इसको ये भी ले सकते हैं कि 1 इज प्री इमेज ऑफ 4, जो 1 है वो 4 की प्री इमेज है। अब जरा एक सिंपल सी भाषा समझिएगा, जब मैं आपसे कहता हूं कि 4 1 की इमेज है तो एक सिंपल सी लैंग्वेज आप समझिएगा कि इमेज का मतलब सामने शीशा रखा होगा। अब जरा समझिएगा, ये एक शीशा रखा हुआ है, वैसे शीशा नहीं रखा हुआ है, आपको फिजिक्स में ही पढ़ा रहा हूं। तो शीशा रखा हुआ है और हम कह रहे हैं कि 1 की इमेज 4 है, तो क्या 1 की 2 इमेज बन सकती है? अगर शीशे के सामने 1 बैठा हुआ है तो क्या 1 की 2 इमेज बन सकती है? नहीं, यानी 1 की 2 इमेज नहीं हो सकती। अगर 2 इमेज है तो फंक्शन नहीं है। अब जरा इसी को समझिएगा, रिलेशन हो सकता है 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, लेकिन ये 2 इमेज नहीं बन सकती है। तो एक फंक्शन की पहली कंडीशन कि डोमेन के किसी एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी बात, पूरा का पूरा डोमेन शीशे के सामने बैठा हुआ है तो इन सबकी इमेज बन रही होगी, तो इधर के सभी एलिमेंट की इमेज बनना चाहिए। बस ये कंडीशन फंक्शन फुलफिल करता है। मतलब फंक्शन एक टाइप का रिलेशन है, संबंध है, उसमें जो डोमेन है उसके सभी एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। मतलब 1 की इमेज 4 हो तो 1 की दूसरी इमेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शीशे के सामने आप खड़े होंगे तो आपकी 2 इमेज नहीं बनेगी। देखिए, ये लैंग्वेज यहां पर फिट नहीं हो रही है, लेकिन समझाने के लिए मैं समझा रहा हूं। आप इसको शीशा मत समझिएगा कि आप कहेंगे सब आपने तो शीशा बताया था
और कॉलेज वाले तो शीशा बताए नहीं, तो ये मिरर नहीं रखा हुआ है कि वो समझाने के लिए बताया गया है। हाँ एक चीज और, हम टू की इमेज बता सकते हैं कि टू की इमेज फोर हो सकती है। दो लोग एक ही शीशे में देख सकते हैं, दो लोग एक ही शीशे में देख सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति एक शीशे में अपनी दो इमेज नहीं देख सकता। दो की इमेज यहां बन सकती है लेकिन एक की दो इमेज नहीं बन सकती है, पहली बात। और डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, इसका छूट जाए चलेगा, ठीक है। एक चीज और, तो पहली चीज हमने क्या बताई कि भाई एफ सच दैट ए टू बी, मतलब ए से बी में एक फंक्शन एफ है। जैसे फंक्शन एफ हो, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, आप समझ जाइएगा कि ए के एलिमेंट का बी के एलिमेंट का रिलेशन है, पहली बात। वो रिलेशन एक कंडीशन फुलफिल करता है कि इधर के किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं बननी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि इधर कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, उधर कुछ भी हो सकता है, उधर एलिमेंट छूट भी सकता है, उधर दो एलिमेंट का सेम इमेज बन भी सकता है, चलेगा, इधर नहीं छूट सकता, बस, ठीक है। अच्छा तो ये फंक्शन हो गया, तो ए के एलिमेंट जो कहलाते हैं वो डोमेन कहलाते हैं, इनको हिंदी में प्रांत कहते हैं, और फंक्शन को हिंदी में फलन कहते हैं, और फंक्शन की दूसरी इंग्लिश होती है वो मैपिंग होती है, मैपिंग होती है। और बी के सभी एलिमेंट को डोमेन कहलाते हैं, सभी एलिमेंट सह प्रांत कहते हैं। जरा राइटिंग गड़बड़ है, एडजस्ट करिए। और देखिए बी के वो एलिमेंट जो इसके साथ रिलेशन में है, जैसे फोर और फाइव, फोर और सिक्स, तो ये जो एलिमेंट फोर और सिक्स आपने लिखे ना, ये आपके कहलाएंगे रेंज परिसर, ये रेंज कहलाएंगे परिसर। तो बस ये फंक्शन की डेफिनेशन है। अब कुछ टाइप के फंक्शन होते हैं कि भाई इधर एक एलिमेंट छूटेगा तब क्या होगा, सभी एलिमेंट किसी न किसी के इमेज होंगे तब क्या होगा, तो ये इंटरमीडिएट में बताया जाएगा, अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब जरा से लीजिएगा सावधान, तो ये फंक्शन मेरे सामने समझ आ गया होगा, बहुत अंदर तक नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत अंदर तक आपको पढ़ना भी नहीं है। अब डायरेक्ट एनसीईआरटी उठाइए, और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर शायद 2.3 है जिसमें फंक्शन के बारे में बात की गई है, उसी को डायरेक्ट हम शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को डिस्कस करना है। बहुत टाइप के फंक्शन भी है, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज है 2.3 एनसीईआरटी, इसका डिटेल स्टडी आप इंटरमीडिएट पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, रिलेशंस ही फंक्शन होते हैं, संबंध ही फलन है, शर्त यह है कि वो फलन कुछ कंडीशंस को फुलफिल करता है। तो एक रिलेशन दिया है, जरा समझने की कोशिश करिए रिलेशन किस टाइप का दिया गया है। देखो ध्यान से, ये रिलेशन दिया गया है 2.1, 5.1, 8.1, 11.1, 14.1, 17.1। तो ये एक रिलेशन है, और आपसे कह रहे बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है। यानी जो पहले एलिमेंट इसके हैं, 2 है इसका, 5 है इसका, 8 है, इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म, आपने इसकी पहली एक्सरसाइज में पढ़ा है इसको। तो हम करेंगे क्या, देखो समझने के लिए इसमें हम बता सकते हैं कि इन एलिमेंट का जो है एक ही इमेज यहां दिख रहा है, और कहने को तो हम इसको डायग्राम से शो कर सकते हैं, ज्यादा आसान रहेगा डायग्राम से शो करना। इस सेट को हमने ए माना और इस सेट को हमने बी माना। ए के एलिमेंट क्या है, 2, 5, 8, 11, 14, 17, और इधर के 1 है। अब देखिए 2 का 1 से रिलेशन है, तो यानी कि 1 इज द इमेज ऑफ 2, जो 1 है ना वो 2 की इमेज है। हमने क्या कहा कि इसकी दो इमेज नहीं हो सकती है, लेकिन 5 की इमेज 1 हो सकती है, 5 इसी शीशे में देख सकता है, 8 की इमेज हो सकती है, 11 की इमेज हो सकती है, 14 की इमेज हो सकती है, 17 की इमेज हो सकती है। यानी फंक्शन इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि इस एलिमेंट की दो इमेज नहीं है, पहली बात, और इधर का कोई एलिमेंट छूटा नहीं है, दूसरी बात। तो चूंकि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो आप लिखेंगे इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। आपको यहां पर रीजन देने की जरूरत नहीं है। हाँ रीजन देने की जरूरत तब है जैसे कहा गया गिव रीजन इफ इट इज द फंक्शन डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज, इसका रीजन बताओ। तो आप कह सकते हैं कि डोमेन के हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज है और एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं है, इट इज अ फंक्शन। क्यों, आप लिखेंगे बिकॉज
ये एक में रीजन हम लिखे दे रहे हैं, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव इमेज इन को डोमेन, क्योंकि डोमेन के हर एलिमेंट की को डोमेन में इमेज है, इसलिए ये फंक्शन कहलाएगा, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, डोमेन का कोई भी एलिमेंट छोटा नहीं है। दूसरी पहला रीजन ये लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे नो एलिमेंट ऑफ डोमेन इज लेफ्ट, ऑल द एलिमेंट लिख दिया तो रीजन लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, अब कह रहे भाई इसका डोमेन क्या होगा, तो ये जब डोमेन निकालेंगे तो डोमेन जो होगा जिसको प्रांत कहते हैं वो इधर के एलिमेंट होंगे 2, 5, 8, 11, 14, 17 और रेंज निकालेंगे तो हो जाएगा आपका वो केवल 1। ठीक है, यही कोडोमेन भी है, बताइए तो रेंज भी है, ये कोडोमेन भी है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका रीजन है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन नोट करिए, नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, बस सबके डायग्राम बना दो, और ये रीजन हम बार बार नहीं लिखेंगे इसलिए इस रीजन को हम यहां पर रब भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है 2, 1, 4, 2, ये जो रिलेशन दिया है, एक ऑर्डर पेयर है 2, 1, यानी 2 का 1 के साथ रिलेशन है, 4, 2, 6, 3, 4 का 2 के साथ रिलेशन है, 6, 3, 6 का 3 के साथ रिलेशन है, 8, 4, 10, 5, 8, 4, 10, 5 और 12, 6, 14, 7। देखिए अगर हम, अब आपके हिसाब ये बताइए, हम अगर रे डायग्राम ना बनाए तो चलेगा, चलेगा। देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये रिलेशन के पहले एलिमेंट है जिनको कि डोमेन कहते हैं। क्या 2 के 2 इमेज हैं? नहीं, 2 का एक ही इमेज है, 4 का एक ही इमेज है, 6 का एक ही इमेज है, तो ये डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज है और एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं है, ये फंक्शन है। लेकिन अगर आप इसको दिखाना चाहते हैं, मान लो एक सेट ए एक सेट बी, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2 का 1 से, 4 का 2 से, 6 का 3 से, 8 का 4 से, 10 का 5 से, 12 का 6 से। देखिए ये किस तरीके के रूल को फॉलो कर रहा है वो रिलेशन जाने, ये इसका हाफ है, ये इसका हाफ है, वो एक अलग चीज है। अब ये फंक्शन है कि नहीं है ये दिखाना आपको है, तो आप कहेंगे कि इट इज अ फंक्शन बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव द इमेज इन कोडोमेन, बस रीजन ये हो गया। अब आपको डोमेन अगर इसका निकालना है तो ये रीजन लिखने के बाद ये सब में लिखेंगे, इसलिए हम इसको रब कर देते हैं। अगर डोमेन निकालना है तो जो डोमेन होगा, तो डोमेन हमने क्या बताया कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये डोमेन हो गया। और अगर रेंज निकालना है, रेंज माने परिसर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये रेंज हो गया। तो इस प्रकार से ये फंक्शन होगा, क्योंकि ये कुछ पर्टिकुलर जो रिलेशन है उसका, उसकी जो क्वालिटी है, जो प्रॉपर्टी है, उसको ये फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अब जरा इसका थर्ड पार्ट देखिए, रीजन वही सब में रहेगा, अगर है, नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये रीजन किस रीजन की वजह से ये फंक्शन नहीं है। जैसे थर्ड पार्ट आपसे कह रहा है कि जो रिलेशन है ये दिया है 1, 3, 1, 5, 2, 5 अगर बिना पढ़े, बिना डायग्राम बनाए हम देखें तो 1 का इमेज 3 और 1 का इमेज 5, बिकॉज 1 एलिमेंट हैज 2 इमेज। तो आप चाहो तो बना भी सकते हो इसको, ये सेट ए मान लो, ये एक सेट बी मान लो, 1 का इसे 1, इधर 2, इधर 3, इधर 5, 1 का 3, 1 का 5, 2 का 5। वैसे तो इसका कोई एलिमेंट छूटा नहीं है, लेकिन 1 की 2 इमेज है, आप लिखेंगे इट इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ये मैपिंग नहीं है, ये
फलन नहीं है, क्यों? रीजन क्या है? एज वन हैज टू इमेजेस, हैव टू इमेजेस, वन की जो है दो इमेजेस हैं, इसलिए फंक्शन नहीं होगा. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. ठीक है, नोट डाउन दिस. देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है. देखो हिंदी और इंग्लिश में कोई खास चीज नहीं है, क्योंकि इसका लैंग्वेज चेंज होती है, प्रांत है, सह प्रांत है, और कोई रीजन नहीं है. पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन का पहला पार्ट. सेकेंड क्वेश्चन क्या ही कह रहा है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. जरा समझने की कोशिश करो, डोमेन और रेंज होता क्या है. बहुत ही व्यापक वर्ड है, बहुत आगे चल के दिक्कत क्रिएट करता है. देखो ध्यान से, हमने कहा कि मान लेते हैं कि दो सेट ए और बी हैं और ये फंक्शन है, मतलब एफ सच दैट ए टू बी है, मतलब ए और बी के एलिमेंट के बीच में एक रिलेशन है और रिलेशन उस क्वालिटी को, उस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है जो फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है. इधर का कोई एलिमेंट छोटे नहीं और इधर के हर एक एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट इमेज हो, मतलब एक एलिमेंट की दो इमेज ना. अच्छा, तो जो ए के एलिमेंट होते हैं ना उसको हम कहते हैं डोमेन, और बी के एलिमेंट कहलाते हैं कोडोमेन, पूरे एलिमेंट कोडोमेन कहलाते हैं. और वे एलिमेंट जो इसके साथ रिलेशन में होते हैं उन्हें हम रेंज कहते हैं. ये हमने बता दिया है आपको. अब निकालते कैसे हैं जरा समझिएगा. जैसे इसका एक्स एलिमेंट है और इसके वाई एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहा है. अब कौन सा रिलेशन है? वो है फूफा टाइप का रिलेशन. एक रिलेशन की एक क्वालिटी हो गई ना फूफा, तो उसको फुलफिल कर रहा है. तो इसको हम लिखते हैं एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स. जब भी वाई बराबर एफ एक्स हो तो समझ लीजिएगा कि ये फंक्शन एफ है, एक्स एलिमेंट डोमेन का है और वाई एलिमेंट कोडोमेन का है. ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट में जब बेसिक बताया जाता है तो वहां बताया जाता है कि इलेवेंथ में आपने पढ़ा होगा. देखो एक्स के वे एलिमेंट जिसके लिए वाई डिफाइंड हो उसको डोमेन कहते हैं. दोज एलिमेंट्स ऑफ एक्स, दोज एलिमेंट्स ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज डिफाइंड इज डोमेन. अब इसका पहले मतलब समझिएगा, मतलब आप एक्स को रखते जाओ और वाई मिलता जाए. अब डिफाइंड क्यों कहा गया? एक्स की कोई ऐसी वैल्यू जो रूट के अंदर नेगेटिव दे दे तो वो वैल्यू हो जाएगी इमेजनरी, और जब इमेजनरी हो जाएगी तो हम कहेंगे वाई डिफाइंड नहीं है. एक्स की कोई ऐसी वैल्यू जो वाई को इंफिनिटी दे दे वो डिफाइंड नहीं है. तो आप एक्स का वो मान निकालिए जो वाई की रियल वैल्यू देता रहे. ठीक, अच्छा, और उसी हिसाब से जो वाई की वैल्यू मिलेगी वो कहलाएगी कोडोमेन. वाई की वो वैल्यू जिसके लिए एक्स डिफाइंड हो उसको हम कोडोमेन कहते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाओ. सेकंड नंबर जरा ध्यान से समझिएगा, लैंग्वेज बहुत इजी है, बस ध्यान से समझते जाओ, अपने आप आंसर आपको मिलता रहेगा. कम टू द सेकंड क्वेश्चन, क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन? सॉरी सेकंड पढ़ा पहला पार्ट. वाई इज इक्वल एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स, इसको वाई कह सकते हैं. अब आपसे कह रहा है भैया इसमें आपको कोडोमेन बताना है और डोमेन बताना है. जरा आप अपनी डेफिनेशन पे जाओ कि आपको डोमेन और कोडोमेन के लिए जो लैंग्वेज पढ़ाई गई थी वो हमने क्या बताया है. देखिए क्या बताया हमने. देखिए आपने कहा एक्स की वो वैल्यू जो जिसके लिए वाई डिफाइंड हो. भैया एक्स को कुछ भी रख दो आप, रूट है नहीं तो अंडर रूट नेगेटिव तो आ नहीं सकता, काम खत्म. अपान में एक्स है नहीं तो इन्फिनिटी आ नहीं सकता. एक्स को कुछ भी रख दो आपको वाई मिलेगा. तो डोमेन क्या हो जाएगा? आर ऑल द रियल नंबर्स. समझ आ गई बात? आई गई होगी, सभी रियल नंबर्स कुछ भी आप रख दीजिए. क्यों भाई? डिफाइंड के लिए क्या कहा गया? डिफाइंड के लिए कहा गया कि भाई ये वैल्यू रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या बताई गई कि इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए. अब जरा रेंज में समझिएगा, थोड़ा यहां लफड़ा होता है. जरा देखिए ध्यान से, आप एक्स को कुछ भी रखो क्योंकि मॉड है तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, है ना? उसके साथ माइनस लगा हुआ है तो वाई हमेशा निगेटिव आएगा.
यानी x को कुछ भी आप रखो, चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, y विल बी ऑलवेज नेगेटिव। कहां तक जाएगा? अच्छा, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? जीरो। तो जीरो से लेकर के माइनस 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 इन्फिनिटी तक, तो कहां तक वैल्यू आएगी? जीरो से माइनस इन्फिनिटी तक, ये आपकी रेंज हो जाएगी। जीरो तो आएगा, तो जीरो में हम लिखेंगे क्लोज इंटरवल। आपको पढ़ाया गया है क्लोज इंटरवल में जीरो इंक्लूड होता है, और माइनस इन्फिनिटी नहीं लेना है तो उसके लिए ओपन इंटरवल। तो ये आपकी रेंज हो जाएगी। समझ में आ गई होगी बात? x को कुछ भी रखो y मिलेगा आपको, डिफाइंड होगा, यानी ये तो ऑल द रियल नंबर्स होगा। लेकिन x को कुछ भी रखो ये वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगी, उसके बाहर माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगी। तो यानी कि जो रेंज मिलेगी हमेशा निगेटिव मिलेगी। मिनिमम क्या मिल सकती है? जीरो। जीरो से लेकर के माइनस वन माइनस टू माइनस वन पॉइंट वन कुछ भी हो सकता है। तो जीरो से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक नंबर लिया जाएगा। ठीक है, जरा इसका सेकेंड पार्ट देखिए। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। जरा इसका सेकेंड पार्ट देखिए। चूंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन प्रैक्टिस के नाम पे बहुत कम है, अब जितने हैं उतने बताए जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट, वाई इज इक्वल टू, जिसको कि आप एफ एक्स लिख रहे हैं, अंडर रूट है नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। जरा समझने की कोशिश करिए। हमने डोमेन के लिए क्या कहा? एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए वाई डिफाइंड हो, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए वाई डिफाइंड हो, मतलब रूट के अंदर निगेटिव ना आ जाए। वैसे बोल, अपान तो इसमें लिखा नहीं है। अगर अपान में एक्स होता तो एक्स को जीरो रखने पर इन्फिनिटी आ जाती वैल्यू। या अपान में एक्स माइनस थ्री होता तो अगर मैं एक्स माइनस थ्री को जीरो रखता या एक्स को थ्री रख देता तो वैल्यू जीरो आ जाती और ये रिजल्ट क्या देता? इन्फिनिटी। तो आप कहेंगे भाई थ्री नहीं हो सकती वैल्यू, तो अपान का लफड़ा तो है नहीं, तो यानी कि ये इन्फिनिटी वाला चक्कर तो खत्म। अब क्या दिक्कत है? रूट है यहां पर, तो आप एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं लेंगे कि रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ जाए। तो आप कहेंगे भैया देखिए, फॉर डोमेन जो एक्स की वैल्यू रखेंगे उसके लिए जो डिनोम जो रूट के अंदर वैल्यू है, दिस शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। ये आप जानते हैं, ये ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि नाइन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू नाइन। और जब स्क्वायर हटाते हैं तो आएगा एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस थ्री एंड लेस आर इक्वल टू थ्री। तो ये आपका हो जाएगा क्या? डोमेन। तो अगर हमको इसको डोमेन को लिखना पड़े तो डोमेन इज इक्वल टू एक्स सच दैट वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। प्रैक्टिकली समझिएगा, अगर यहां थ्री रखते हो मैक्सिमम तो ये जीरो आ जाएगी वैल्यू, और थ्री से जरा सा भी बढ़ाते हो, पॉइंट वन भी बढ़ा दोगे तो ये वैल्यू नाइन से बड़ी हो जाएगी, और अगर माइनस की वैल्यू नाइन से बड़ी हो गई तो रूट के अंदर वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, और मैक्सिमम आप माइनस थ्री अगर माइनस में रखते हो तो तभी नाइन आ जाएगा, तो माइनस थ्री से छोटा नहीं ले सकते, प्लस थ्री से बड़ा नहीं ले सकते। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड पार्ट। अब इसका रेंज क्या होगा? रेंज के लिए क्या कहा गया कि एक्स की वैल्यू रखने पर वाई क्या मिलेगा आपको? जरा देखिए ध्यान से, अगर मैं बात रेंज की करता हूं, रेंज की वैल्यू निकालने के लिए देखिए दो चीजें। हमने कहा वाई की वैल्यू जो जिसके लिए एक्स डिफाइंड हो उसको दो तरीके से समझ सकते हैं। यहां पे एक्स की अधिकतम वैल्यू क्या रख सकते हैं? थ्री या माइनस थ्री। तो यानी कि एक्स की जो है आप थ्री रखो चाहे माइनस में रखो, क्योंकि स्क्वायर है तो वैल्यू पॉजिटिव या भी है, तो वाई की जो वैल्यू आएगी यहां पर ना मिनिमम वो जीरो आएगी, और एक्स की मिनिमम वैल्यू यहां पर रखेंगे जीरो, तो वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो थ्री आएगी। तो यानी कि जो रेंज होगा ना वो होगा आपका एक्स, यानी तो वाई सच दैट वाई विल बी ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो एंड लेस आर इक्वल टू थ्री, वेयर वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रेंज होगी। ठीक है भाई, देखिए एक्स को रखो यहां पर, मिनिमम क्या रखोगे? माइनस थ्री। तो जब माइनस थ्री रखोगे तो जीरो आ जाएगी वैल्यू, इससे पीछे जा नहीं सकते आप। फिर आगे वन रखोगे तो जीरो से थोड़ा वैल्यू बड़ी आएगी, क्योंकि वन रखोगे तो नाइन माइनस वन एट, रूट एट, तो थ्री से बड़ी वैल्यू आएगी, जीरो से बड़ी वैल्यू आएगी, जीरो से बड़ी वैल्यू आएगी। और मिनिमम एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे? जीरो। आपके हिसाब मिनिमम तो माइनस थ्री है, अरे भाई माइनस का तो स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर हो जाना है तो उसको एज ए पॉजिटिव ट्रीट करिए आप, क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्क्वायर बन रहा है। यहां पर एक्स की मिनिमम वैल्यू जीरो है और जीरो रखने पर वैल्यू थ्री आएगी। ठीक है, तो ये आपका डोमेन हो जाएगा, सॉरी रेंज हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर थ्री के बारे में बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री, थ्री क्या कह रहा है, इन्होंने एफ एक्स दिया है और x के मान आपको रखने हैं और उसकी वैल्यू निकालनी है। वेरी सिंपल, एफ एक्स इज व्हाट, एफ एक्स इज गिवेन 2x-5, 2x-5, और आपको पहला पार्ट ये कह रहे हैं कि भैया f जीरो निकालो। साफ साफ दिख रहा है x को रख दो जीरो, तो x रखोगे जीरो तो आएगा 2 × 0 - 5, मैथमेटिकल कैलकुलेशन -5 हो जाएगी। फिर आपसे कह रहे हैं एफ सेवन निकालो, सेकंड पार्ट एफ सेवन एक्स को रख दीजिए 7, तो चूंकि 2 और x के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई, तो आएगा 2 × 7 - 5 = 14 - 5 = कितना आएगा 9। थर्ड पार्ट के आपसे कह रहे हैं कि एफ -3 निकालिए, एक्स को रख दो -3, तो 2 × -3 - 5 - 6 - 5 - 11 हो जाएगा, क्या लिख रहा हूं। तो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, नोट डाउन दिस क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने एक डिग्री सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट एक रिलेशन दिया हुआ है। लिखा है द फंक्शन टी विच मैप्स द टेम्परेचर ऑफ डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट डिफाइंड एज टीसी इज इक्वल टू, फोर्थ क्वेश्चन में टेम्परेचर जो सी है सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है वो है 9C/5 +32। आपको याद हो तो फॉरेनहाइट और सेल्सियस में एक रिलेशन है, वही रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहे हैं टी जीरो निकालिए, पहला पार्ट आपसे कह रहे हैं टी जीरो निकालिए, बस कुछ नहीं सी की जगह रख दो जीरो, तो जीरो करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 9/5 × 0 + 32, तो दिस वैल्यू कम 32। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं T28 निकालिए, T28 निकालिए, तो आएगा 9/5 × 28 + 32। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए अपने आप, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर चीटिंग करके मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन लिखे दे रहा हूँ, ये आपका 412/5 आएगा, 412/5, मैंने डायरेक्ट आंसर चीटिंग करके लिखा है। थर्ड पार्ट आपसे क्या कह रहे हैं कि आप T-10 निकालिए, T-10 निकालिए, तो सी को तो -10, तो 9/5 × -10 + 32, 5 × 2 = 10, 9 × 18 - 18 + 32। अब 32 में 18 माइनस करना हमको लगता है आपको आता होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 14, 14 × 18 = 32 होता है। इसके बाद आपसे कह रहे हैं कि टीसी इज इक्वल टू 212। देखिए फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको नोट करिए। देखिए फोर्थ पार्ट आपसे कह रहा है जब टीसी की वैल्यू 212 है तो उसमें सी का मान क्या होगा, टीसी इज इक्वल टू 212, यानी ये जो वैल्यू है आपकी 9C/5 + 32 = 212, बस सी का मान निकालो, तो 9C/5 = 212 में 32 माइनस हो जाएगा, तो इसको माइनस करोगे तो 2 में 2 गया 0, 21 में 3 गया 18, 3 21, तो C का मान आ जाएगा 180 × 5/9, 9 × 18 = 20, 20 × 100 = 100। तो दिमाग लगाइए 212 डिग्री फॉरेनहाइट ये बॉइलिंग पॉइंट था फॉरेनहाइट स्केल में, और उसी स्केल में सेंटीग्रेड कहता था कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तो वही रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट इज द फिफ्थ क्वेश्चन, कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन, राइटिंग गड़बड़ है उससे तो सही नहीं किया जा सकता, बस केवल साफ साफ लिखा जा सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि द रेंज, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू जिसको कि हम वाई कहते हैं, जैसे वाई याद आया आप समझ गए कि वाई किसका पार्ट होता है, कोडोमेन का, जिसको रेंज कहते हैं, इज इक्वल टू 2 - 3x, 2 - 3x,
और आपसे इन्होंने कहा भाई डोमेन निकालिए, सॉरी रेंज निकालिए। जरा ध्यान से समझिएगा, डोमेन और रेंज इसमें होती क्या है, और लेकिन दे दिया है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स जीरो से बड़ा होना चाहिए। जरा ध्यान से इसको देखिएगा आपकी वैल्यू आएगी क्या, अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो वैल्यू क्या है, जरा सावधान। एक्स जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो से कितना बड़ा होना चाहिए, मानिए एक्स जो है जीरो से जीरो 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 थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है। अब मैंने कहा ठीक है ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसा करता हूं एक्स को रख देता हूं जीरो। तो अगर मैं एक्स को जीरो करूंगा इफ व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो वाई की वैल्यू टू आएगी, सही करोगे। अच्छा अगर मैं एक्स को जीरो से बड़ा कर देता हूं, जरा सा भी बड़ा कर दोगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी, पर टू में जो माइनस हो रही वैल्यू वो जीरो माइनस हो रही है। जब टू में जीरो माइनस किया था तो टू वैल्यू आई थी, जब टू में जीरो से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो टू से थोड़ी सी कम वैल्यू आएगी, यानी वाई विल बी लेस देन टू। कितनी लेस, जितना चाहो उतना लेस, एक्स बढ़ाते जाओगे ये लेस होता हुआ चला जाएगा, यानी कि रेंज क्या आएगी, टू से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक आएगी, कम होते 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 माइनस इन्फिनिटी तक आएगी। भाई एक्स को बढ़ाना है ना आपको, तो एक्स को जब बढ़ाते जाओगे तो ये निगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी ना। अब जब निगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी और टू में उसको माइनस करोगे तो वाई की वैल्यू घटती जाएगी, टू से कम होती 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 माइनस इन्फिनिटी तक। अच्छा अब इसको हमें क्लोज इंटरवल करें या ओपन, चूंकि टू को नहीं लेना है, टू तो तब आएगा ना जब एक्स को जीरो करोगे, तो यहां ओपन इंटरवल और माइनस इन्फिनिटी भी नहीं लेना है, तो दिस इज द ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये है फर्स्ट पार्ट, समझने मेरे हिसाब से आ गया होगा। अब देखिए सेकंड पार्ट, फिफ्थ का सेकंड पार्ट, यानी हमको रेंज, रेंज या कुछ ऐसे हमसे डोमेन पूछते हैं तो डोमेन या कुछ भी हो सकता है, एक्स का जो मान चाहो रख सकते हो, ठीक, ऑल द रियल नंबर। जैसे फिफ्थ का सेकेंड पार्ट क्या है, का सेकेंड पार्ट कह रहा है वाई इज इक्वल टू, जिसको कि एफ एक्स कहते हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस टू वेयर एक्स बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर्स, यानी एक्स को आप कुछ भी रख सकते हैं ऑल द रियल नंबर। जरा दिमाग लगाने की कोशिश करिए ये कहे क्या रहा है, देखो ध्यान से। अगर मैं कोई भी रियल नंबर लेता हूं, रियल नंबर को वन लो, जीरो लो, वन अपान टू लो, माइनस वन लो, थ्री लो, रूट थ्री लो, कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्क्वायर है, तो इसका मतलब भैया ये टर्म निगेटिव तो कभी हो नहीं सकता, ठीक, ये काम ही खत्म, यानी कि ये निगेटिव नहीं हो सकता। जब कोई नंबर निगेटिव नहीं हो सकता तो उसकी कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो, यानी कम से कम एक्स की वैल्यू जीरो हो सकती है, तो वाई की जो मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी वो टू मिलेगी। समझ में आ गई होगी बात, भाई x की जो मिनिमम वैल्यू यहां रखोगे, अब आप एक साथ निगेटिव, लेकिन x स्क्वायर मिनिमम जीरो हो सकता है, लॉजिक पकड़ में आया होगा, भाई x को कुछ भी आप रखिए, लेकिन चूंकि स्क्वायर होना है तो ये टर्म निगेटिव तो नहीं हो सकता, माइनस में तो नहीं आ सकता, तो ये माइनस में नहीं आ सकता है, तो एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, आप जीरो हो सकती है। तो जब एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है तो वाई की मिनिमम वैल्यू भी टू हो सकती है, और इसके बाद कुछ भी हो सकती है, फिर बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो y की वैल्यू जो रेंज होगी वो कहां से कहां होगी, 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 2 लेना, 2 हो सकती है, तो ये क्लोज इंटरवल आएगा, लेकिन इन्फिनिटी लिया नहीं जाता है, इसलिए ओपन इंटरवल। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, y जो कि x का फंक्शन है इज इक्वल टू x, वो कहते हैं x इज अ रियल नंबर, x इज अ रियल नंबर। अब सिंपल सी बात है भैया, x का मान रखते जाओगे सेम मान y का मिलता जाएगा, तो रेंज भी आपका रियल नंबर ही होगा, समझ में बात आ गई होगी, ठीक है। तो दिस इज द एक्सरसाइज 2.3, आई थिंक यू हैव गॉट इट। मैं पढ़ाते वक्त तो ज्यादा जोकड़ी नहीं करता, तो मैं जोकर तो नहीं बन सकता, मैंने समझाने की कोशिश की है, आई थिंक यू हैव गॉट इट। ओके, नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।